नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का विदाई समारोह आयोजित सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड संसाधन केंद्र में पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रवण कुमार का विदाई समारोह रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पचरुखी अंचल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संघ के सचिव जयप्रकाश सिंह, माधव सिंह, सुदर्शन सिंह, श्रीकांत, अमरलाल चौधरी, शहीद मुकेश सिंह, मनीष कुमार, रामानंद सिंह, राकेश सिंह, विद्यार्थी प्रसाद, सचिदानंद तिवारी, माला कुमारी, देवकी नंदन ओझा, शिवजी चौधरी ने संबोधित किया। सभा का संचालन सज्जाद अली ने किया। इस मौके पर अमरेंद्र सिंह, दिनेश प्रसाद, श्रीकांत सिंह, अतुल श्रीवास्तव, अनूप कुमार, शाहिद आलम, राजीव रंजन, शिव बच्चन यादव, अर्जुन कुमार, किरण मिश्रा, वहीसुन आरा, रामबालक गुप्ता, शंकर शाह, संजीव कुमार, देवकी नंदन ओझा सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। वक्ताओं ने पूर्व शिक्षा पदाधिकारी के स्वस्थ जीवन की मंगल कामना की। इस मौके पर उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। जब पड़े कोई भी मुश्किल का रास्ता, तुमने दिया है हमको मोहब्बत का वास्ता। जब पड़े कोई भी मुश्किल का रास्ता, तुमने दिया है हमको मोहब्बत का वास्ता। इस दिल में तुम्हीं को बसाया है दोस्तों, इस दिल में तुम्हीं को बसाया है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, सबों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई। मैं जब इस BRC में अपना योगदान दिया था, योगदान के कुछ ही दिनों के बाद कोरोना का संकट आ गया। उसमें भी हमने सरकार की ओर से जो भी मुझे जिस स्थान पर भी प्रतिनियुक्ति की गई उसका निष्पादन करते हुए मैं उसमें भी खड़ा उतरा। उसके बाद जब विद्यालय खुला, खुलने के बाद ऐसा हुआ कि 50% आ जाएंगे, 50% कल। इस क्रम में हमने अपने मन में सोचा था कि हमारा प्रखंड उस परिस्थिति में कैसे ठोस कदम उठा पाए कि आज आधे बच्चे आ रहे हैं, आधे बच्चे कल। इसकी संपुष्टि मैं इस बात से करता हूं कि आप लोगों ने हमारे ऊपर जितनी भी प्रकार के हमारी अपेक्षा से ऊपर उठ करके जो आप लोगों ने अपने वाचन के क्रम में दिया है, यह मेरी देन नहीं है, ये देन आपकी है। मैंने एक गार्जियन के नाते आप लोगों के साथ खड़ा रहा और उस परिस्थिति में भी हमारे प्रखंड में कम विद्यालय होते हुए भी शिक्षण के क्षेत्र में हम अग्रसर हमेशा रहे। आज हम जिस प्रखंड में हैं इससे 1.5 गुनी विद्यालय है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है, चाहे ग्रामीण छात्रवृत्ति की हो, इंस्पायर्ड अवार्ड की हो, लेकिन उसके आधार पर जो मुझे पारिश्रमिक मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। और आप लोगों की अथक परिश्रम, आप लोग मेरे सानिध्य में रहकर आप लोगों ने प्रखंड को हमेशा अव्वल लाने के लिए, उसमें खासकर हमारे BRC के उस समय जो हमारे BRP थे उन्होंने जो सहयोग दिया उसको मैं भुला नहीं सकता।
और उन्हीं के सानिध्य में मैं अपने आप को कभी भी बीआरसी कार्यालय का पदाधिकारी के रूप में यहाँ हमने अपने को अधिस्थापित नहीं किया। हमारे जो भी शिक्षक आते होंगे, मैं कभी श्रीकांत बाबू के बगल में बैठा रहता था, कभी अनूप के बगल, कि हमारा जो विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिए जो पत्र आया है उसका निष्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो पा रहा था, किसी दिन हमारे बीआरपी अनुपस्थित रहते थे, तो मैं खुद शिवजी के माध्यम से, विवेक के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से मैं चाहता था कि मेरा कोई भी रिपोर्ट पीछे नहीं रहे। जो आप लोगों की हमारे साथ, मैंने आपके साथ जितने भी दिनों तक यात्रा की, उसमें आप लोगों का कुशल संचालन, कुशल नेतृत्व, बच्चों के प्रति समर्पित भाव यह प्रदर्शित करता है कि कम संसाधन में, उस समय जितने भी पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों का गठन किया गया था, उसमें हमारे एलिमेंट्री स्कूल के हैं शिक्षक हैं पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता में किसी प्रकार की कमी नहीं मिली। आज स्थितियां हैं उन विद्यालयों में 13 से 15 हर विद्यालय में बीपीएससी से शिक्षक आ गया, लेकिन अब संसाधन है लेकिन उस विद्यालय में बच्चे ही नहीं। यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है। जहां बच्चे हैं वहां से, लेकिन 75% में उसके अनुसार बच्चे नहीं हैं। विकृतियां है, आप लोगों का स्नेह मिला, सानिध्य मिला, आप लोग पुनः यहाँ आने की जो इच्छा जाहिर की है, शिवजी बाबू जानते हैं उस चिट्ठी में क्या भेग है कि साल भर के लिए यह जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई। कुछ